बड़ा दुर्भाग्य है, इतने देर से सबरजीत का पूरा परिवार इस बात को चिल्ला रहा है कि पाकिस्तान में उसके साथ ज्यादती हो रही है, जेल में वो सुरक्षित नहीं है, और एक तरीके से पाकिस्तान सरकार उसको किसी न किसी दशा में मार डालना चाहती है। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ने अपनी कमजोरी दिखाते हुए पाकिस्तान पर कोई दबाव नहीं बनाया, और उसी के कारण आज ये स्थित हो गई कि पाकिस्तान की जेल में उसके ऊपर अटैक कर हुआ, वहाँ के प्रशासन से मिली भगत से हुआ, अब उसकी जान को खतरा है। मैं तो ईश्वर से दुआ करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि वो किसी तरह सुरक्षित बच जाए, लेकिन उम्मीद कम दिखाई दे रही है। मैं तो ताज्जुब में हूँ कि पता नहीं सरकार कब चेतेगी। कल अमेरिका में आजम खान जी के साथ हुआ, आज पाकिस्तान में सरबजीत के साथ ये हो रहा, कल हो सकता बांग्लादेश में किसी के साथ हो जाए, नेपाल में हो जाए, चीन घुस ही रहा है। तो एक कमज़ोर और अनडिसिसिव सरकार जो है उसके परिणामों को देश को भुगतना पड़ रहा है। मैं तो सरकार से कहूँगा, अगर आपने नहीं चेते, अगर आपने अपने अंदर बदलाव नहीं लाया, तो हिंदुस्तान की जनता परिवर्तन लाने के लिए पूरी तरह तैयार हो। वो एक मजबूत सरकार चाहती है, और चुनाव में देश को मजबूत सरकार मिले। अब नहीं लिया तो मैं अखिलेश यादव को बधाई दूंगा, कम से कम उसने उत्तर प्रदेश की वीरता दिखाई, वहाँ प्रोग्राम में नहीं गए, उसको कैंसिल किया, अमेरिका के मुंह पर एक तमाचा जड़ा, उसे बताया कि हिंदुस्तान के लोग भी बदला ले सकते हैं, और अगर अमेरिका के एक चपरासी तक हिंदुस्तान में आकर हिंदुस्तान सरकार रेड कारपेट बिछाएगी और हमारा कोई भी डिप्लोमेट जाएगा उसके साथ वहाँ मिसबिहेव होगा। ये बदलाव करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर परिवर्तन के बाद ही दिखाई देगा।